नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के मानगढ़ चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ द्वारा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक व छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में आज झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। ये पुतला दहन कार्यक्रम जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज से होता हुआ मानगढ़ चौक तक पहुँचा। वहीं इस संबंध में वर्कर्स कॉलेज के छात्र व ABVP अध्यक्ष शुभम राज ने दी जानकारी। हम लोग का पुतला दहन का कार्यक्रम ABVP के द्वारा रखा गया है वर्कर्स कॉलेज से लेकर मानगो चौक तक। पुतला दहन का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड विधेयक परीक्षा वापस लेने को लेकर हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हेमंत सरकार छात्र विरोधी हो गई है, छात्रों के हित में एकदम काम नहीं कर रही है। जब तब छात्र के ऊपर लाठी चार्ज हो जा रहा है, छात्र अपना मांग को लेकर जा रहे हैं तो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। चाहते क्या आप लोग? चाहते यही है कि हेमंत सरकार अब हटे, बहुत दिन हो गया अब उनका काला कार्य। जलाने का मकसद क्या था? जलाने का मकसद वही है कि उनका बहुत सारा नियम है जो लागू कर दिया गया है, जो छात्रों के साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उसी के विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लाठी चार्ज हो जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम राज, वर्कर्स कॉलेज ABVP अध्यक्ष।